गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको एनसीआरटी रिजर्व चैनल के माध्यम से क्लास 6 से 12 तक का साइंस का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है और हम लोग क्लास 7 का एक टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे, फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और आज के लेक्चर में ये आपका चैप्टर खत्म भी हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने बहुत तरीके से देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है, प्लांट्स क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स में। हम लोग का जो लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में किस तरीके से फिर पुनः रीगेन कर लेता है, सॉइल जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से पुनः रीगेन कर लेता है। मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि प्लांट्स का जो रूट होता है, प्लांट्स का रूट होता है वो क्या करता है कि वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए। अगर ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स की मौत हो जाएगी। और इस न्यूट्रिएंट्स वजह से कि आपको मान लीजिए कि नाइट्रोजन हो गया, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसकी जरूरत होती है। किसको जरूरत होती है? प्लांट्स को जरूरत होती है। और प्लांट्स इन सभी चीजों को मतलब ये चाहिए प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट्स को अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स ऑफ फूड को प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि प्लांट्स को ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई ये प्लांट है, एग्जाम्पल लीजिए कोई प्लांट है, अब इसको आपने जैसे कि किस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, खासकर क्रॉप प्लांट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका धान गेहूं जो भी जैसे भी आप जो समझिए। तो जब आप किसी भी क्रॉप प्लांट को जब आप किसी सॉइल में आप क्या करते हैं लगाते हैं, यानी कहने का उसको प्लांट करते हैं, तो प्लांट करने के बाद वो जो प्लांट होता है वो क्या करता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। जब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है। अब प्लांट्स में सॉइल में जो आपका न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो गया, तो जब दोबारा आप प्लांट्स को लगाएंगे वहां पर, तो दोबारा जब प्लांट्स को आप सॉइल में लगा रहे हैं तो उस प्लांट्स को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स तो वहां कम हो गया है क्योंकि पहले जो आपने प्लांट्स लगाया था उसने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसलिए समय समय पे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है। सॉइल को न्यूट्रिएंट देने के लिए आपको पता होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, यानी आप लोगों को पता है खाद, या चाहे जो आपका नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे कि मैन्यूर हो गया, जैसे गोबर हो गया, या आप कह सकते हैं कि मतलब जो भी आपका सड़ा गला चीज हो गया उसको उठाकर खेतों में डाला जाता है ताकि सॉइल को क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। आप लोग अक्सर सुने होंगे, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे कि आपका मैन्यूरिंग होता है, मैन्यूरिंग यानी कहने का जो मैन्यूस होता है या फर्टिलाइजर होता है उसको खेतों में डाला जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, ताकि जब उसमें आपका सॉइल में जब आपका प्लांट्स को मतलब लगाया जाए, यानी कि रोपा जाए, प्लांट किया जाए, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहे जिसको प्लांट ले सके। तो प्लांट्स का जब न्यूट्रिएंट्स कम होता है तो आपका आप क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। तो ऐसे कि आपको बता दें, ऐसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स को जरूरत होती है, लेकिन एक न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, क्या है जी, नाइट्रोजन, उसकी जरूरत प्लांट्स को बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो आप बोलिएगा सर नाइट्रोजन तो एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा है, करीब कहा जाता है कि आपके एटमोस्फेयर में जितना एयर है उसमें करीब 78% नाइट्रोजन है, करीब कितना नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो भाई जब एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और सब जगह नाइट्रोजन आपका है, तो फिर नाइट्रोजन की कमी कैसे हो जाती है? तो आपको बता दिया जाए, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स आपका CO2 लेता है डायरेक्ट कहां से, एटमोस्फेयर से, कैसे, एस्टोमाटा के थ्रू। लेकिन जो प्लांट्स होता है वो नाइट्रोजन कभी भी एटमोस्फेयर से नहीं लेता है, इसलिए क्योंकि प्लांट्स एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है जो कि प्लांट्स को जरूरी नहीं होता है। प्लांट्स नाइट्रोजन लेता है लेकिन अलग फॉर्म में लेता है, इसको हम नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कहते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम,
नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स करते हैं। तो भैया मेरे ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स प्लांट्स को इस वाल को कैसे मिलते कैसे हैं या उसकी भर्ती पूर्ति कैसे होती है? तो आप लोग सुने होंगे बहुत सारा खाद होता है, यूरिया खाद होता है जो डाला जाता है ताकि सॉइल को नाइट्रोजन मिल सके और उसके बाद जो प्लांट्स उसमें प्लांट किया जाएगा उसको भी नाइट्रोजन मिल सके। एक और तरीका है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहते हैं, उसका नाम है राइजोबियम। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको उस फॉर्म में चेंज कर देता है जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में चेंज कर देता है जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब होता है दलहनी पौधे, जो दाल जिससे आपको मिलता है जैसे कि मसूर का दाल हो गया, मूंग का हो गया, समझे ना? तो जो आपका जो दलहनी पौधा है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है। कौन पाया जाता है जी? आपका राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो नेचुरली अगर आपसे क्वेश्चन कोई करे कि भैया मेरे कि ये जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में क्यों पाया जाता है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जो आपका बैक्टीरिया इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होता है मौजूद। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में मौजूद है। अब यहां पर एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन है जी, आप लोगों को बताएं पिछले क्लास में हम सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसके अंतर्गत सिम्बायोसिस जो बताया था आप लोगों को, ऐसा रिलेशन जिसके अंतर्गत दो ऑर्गेनिज्म को में दो ऑर्गेनिज्म के बीच का जो संबंध है उसमें दोनों का फायदा हो। ऐसा रिलेशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों का फायदा हो, उस तरीके के रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशन है कैसे, सुनिएगा ध्यान से। होता क्या है कि ये जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है कि आपका जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में चेंज कर देता है, क्योंकि इसी फॉर्म में आपका प्लांट्स का रूट्स क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है। तो भैया मेरे अब ये क्या किया, ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प किया। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो गया, और इस नाइट्रोजन को कौन ले लेगा, ये रूट्स ले लेगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स का रूट्स ले लेगा, और लेग्यूमिनस प्लांट्स बदले में उसको क्या देता है, फूड देता है। जो फूड लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रिपेयर करता है बदले में वो बैक्टीरिया को देता है। तो फायदा दोनों को हुआ ना, बैक्टीरिया से यह प्लांट्स क्या लिया, नाइट्रोजन लिया, और जो बैक्टीरिया है इस प्लांट से क्या लिया, फूड लिया। तो होता क्या है कि जब कभी भी आप दलहनी पौधा लगाते हैं यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स को आप प्लांट करते हैं किसी भी सॉइल में, तो वहां पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि उस सॉइल क्या हो जाता है, नाइट्रोजन रिच हो जाता है। और नाइट्रोजन रिच होने के चलते फिर आप कोई प्लांट्स लगाइए तो उस प्लांट्स को नाइट्रोजन की डिफिशियंसी नहीं होगी। ये भी एक तरीका है आपका नाइट्रोजन का क्या करने के लिए, मतलब सॉइल में इनरिच करने के लिए नाइट्रोजन। और नहीं तो फिर आप जो आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर होते हैं नाइट्रोजन के लिए जो आते हैं आप उसको यूज कीजिए। समझ रहे बात को ना? यानी कहने का अर्थ है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का आपका रिप्लेनिशमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बार बार ये लगाने से, प्लांट्स लगाने से होता क्या है कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है उसका स्कार्सिटी हो जाता है, और इसका स्कार्सिटी होने के चलते, न्यूट्रिएंट्स का इसका स्कार्सिटी होने के चलते जब दोबारा उसमें आप प्लांट्स जाकर लगाइएगा उस सॉइल में, तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेगा जी, इतना पक्का मान लीजिए। इसलिए जब आप प्लांट्स लगाएं उसका न्यूट्रिएंट्स यूज हुआ तो फिर उसको उस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रीगेन करना होगा, चाहे आप किसी भी मेथड से वो रीगेन करें। समझ गए? तो यही था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आपको जो चैप्टर पढ़ना था यही था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर इस चैप्टर संबंधित कोई और भी टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि जरूरी है और हम नहीं बताए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेता है, खाना क्यों लेता है, खाना क्यों खाता है। सिंपल सा लॉजिक है, फूड गिव्स अस एनर्जी,
फूड क्या प्रोवाइड करता है हमको, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसी एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिज्म वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सिंपल सा लॉजिक है, फूड नहीं तो एनर्जी नहीं, एनर्जी नहीं तो एक्टिविटी नहीं, यानी कि सिंपल ही कहे कि एनर्जी नहीं तो कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वह क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। बोला है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोटोप, सैप्रोटोप और पैरासाइट के बीच में आप क्या कीजिए, डिफरेंस दिखाइए कि सैप्रोटोप और पैरासाइट के बीच में क्या डिफरेंस है, बता देंगे। सिंपल सा तो है, सैप्रोटोप, सैप्रोटोप हम उस तरीके का ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो डेड और डिकेइंग आपके मैटर पे क्या करता है, उगता है। यानी कहने का अर्थ कि सैप्रोटोप आपके उस तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड गेन करते हैं कहां से, डेड डिकेइंग मैटर से, यानी सड़ते गलते पदार्थ से अपना फूड लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल हम दिए थे क्या आपको याद होगा, मशरूम। और पैरासाइट आपका कहा जाता है कि वैसे प्लांट्स को कहते, वैसे पैरासाइट हम वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, कहा गया क्वेश्चन, हाँ पैरासाइट हम वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसमें आपका कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में आकर आपका क्या करता है, उससे फूड गेन करता है, और जिससे फूड गेन कर रहा है उसी को हार्म पहुंचाता है। जैसे कि आप लोगों को हम सैप्रोफाइटिक प्लांट में अमरबेल के बारे में बता रहे हैं, अमरबेल, ये अमरबेल का पौधा क्या करता है कि दूसरे पौधे पर उगेगा और उसी पौधे से फूड लेगा, और जिस पौधे से दूसरे पौधे से वो फूड ले रहा है उसको मार डालेगा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया पैरासिटिक यानी पैरासाइट्स, और ये हो गया सैप्रोटोप्स, ये दोनों में फर्क है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, मतलब स्टार्च का प्रेजेंस लीफ में कैसे आप टेस्ट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि एक लीफ लीजिए, पहले लीफ लेने के बाद इस लीफ को आप क्या कीजिए कि गर्म पानी में बॉयल कीजिए, गर्म पानी में बॉयल करने के बाद में बॉयल विथ वाटर, उसके बाद आप क्या कीजिए कि अगला जो होगा कि आप इसको गर्म कीजिए आप अल्कोहल के साथ, विथ अल्कोहल के साथ गर्म करने के बाद आप अगला काम कीजिएगा, इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, आयोडीन सॉल्यूशन किस पे डालिएगा, इस लीफ पे। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसमें स्टार्च मौजूद है, और अगर नहीं होता है तो स्टार्च मौजूद नहीं है, क्योंकि स्टार्च का जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो स्टार्च में तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। आगे देखिए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है, छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, किस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट में। तो आप लोगों को बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2, H2O, क्लोरोफिल और आपका सनलाइट जरूरी होता है। CO2 आपको मिलता है एटमोस्फेयर से जो कि आपके लीव्स तक पहुंचता है, लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, जिस टीनी होल्स के थ्रू आपका CO2 लीव्स तक पहुंचता है। आपका H2O मौजूद होता है आपके सॉइल में, अब सॉइल से H2O रूट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, और रूट से लीव्स तक ले जाने का काम H2O को वो जाइलम करता है। अब CO2 भी पहुंच गया लीफ के पास और H2O भी पहुंच गया लीफ के पास, अब क्या होता है कि सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फिर क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज यानी कि फूड और ऑक्सीजन रिलीज होता है। आप लिख लीजिएगा ऐसे करके, सो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, एक स्केच बना के आप बताइए कि आपका प्लांट्स जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। आप स्केच बना सकते हैं बहुत आसानी से, छोटा सा स्केच फ्लो चार्ट डायग्राम भी आप बना सकते हैं कि आपका मान लीजिए कि प्लांट्स को अगर हम बात करते हैं, प्लांट्स से आपको खाना मिलता है हर्बीवोरस को, ठीक है, किसको, हर्बीवोरस को। आप एक स्केच बना लीजिएगा अच्छा सा, हर्बीवोरस फिर कार्निवोरस को मिलता है, फिर ओमनीवोरस को मिलता है, यानी कहने का प्लांट से डायरेक्ट फूड कौन लेता है, हर्बीवोरस लेता है। उसके बाद कार्निवोरस क्या करता है, हर्बीवोरस को खाता है, और ओमनीवोरस क्या करता है, प्लांट्स को भी खाता है और हर्बीवोरस को भी खाता है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ
कि हर्बीवोरस तो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड है और कार्निवोरस डिपेंड है हर्बीवोरस पे। तो अगर अगर मान लीजिए कि प्लांट्स नहीं रहेगा तो हर्बीवोरस नहीं रहेगा, हर्बीवोरस नहीं रहेगा तो कार्निवोरस भी नहीं रहेगा, यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे। और ओमनीवोरस प्लांट्स भी खाते हैं और हर्बीवोरस भी खाते हैं, यानी कि ये प्लांट्स पे डायरेक्टली भी डिपेंड है और इनडायरेक्टली भी डिपेंड है। यानी कहने का था आपको शुरू में ही मैंने बताया था, मतलब स्टार्टिंग करते समय चैप्टर का, कि प्लांट्स पे आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। किस लिए? फूड के लिए। यानी कि प्लांट्स क्या है? अल्टीमेट सोर्स है किसका? फूड का। एक मिनट। तो बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, कल आपका क्वेश्चन के साथ पूरा समाप्त हो जाएगा चैप्टर। धन्यवाद।